ह्यूमन ब्रेन, देर आर टू हेमिस्फीयर्स, ठीक है, सही है, दिस इज राइट हेमिस्फीयर, दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर। अच्छा, अब जो हमारे पास डिफरेंस ये होता है कि जो राइट हेमिस्फीयर जो होता है ये बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट जो है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे पास थ्री लेयर्स है ब्रेन की जो हमारे पास होती है, उसमें हमारे पास होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर, और उसके अलावा हमारे पास होता है पिया मैटर, ठीक है। ड्यूरा और एरेक्नाइड के हमारे पास होता है सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नाइड और पिया के दरमियान हमारे पास होती है सब एरेक्नाइड स्पेस। सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर हमारे पास होता है, हमारे पास होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये हमारे पास कहाँ से बनता, कहाँ से ये हमारे पास बनता है, कोराइड प्लेक्सिस के जरिए, ठीक है। वो एक पूरा प्रोसेस है क्लोराइड प्लेक्सिस के अंदर, वो ये होता है कि वो उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड को बाहर पंप करके पोटाशियम उसके अंदर जाता है, क्लोराइड प्लेक्सिस के अंदर पोटाशियम और वाटर को बाहर पंप करता। जो हमारे पास सब एरेक्नाइड स्पेस है उसमें हमारे पास उसे हम बोलते हैं सब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये एज ए कुशन काम करता है ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके लिए हमारे पास आगे ये होता है कि हमारे पास जहाँ भी होते हैं टू लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब लेटरल वेंट्रिकल्स जो है यहाँ पे अंदर हमारे पास होगा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल जहाँ से थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर जो उसका फोरामेन होता है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से नीचे हमारे पास आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है, वो नीचे आगे खुलती है हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फोर्थ वेंट्रिकल के हमारे पास नीचे एक होता है फोरामेन ऑफ मेजेंटी, और टू राइट साइड से वो डायरेक्ट सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर खोलता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लश्का, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल से ये इधर चला जाएगा फोरामेन ऑफ लश्का के सब एरेक्नाइड स्पेस के जरिए जो ऊपर आएगा, और ऊपर आकर सुपीरियर सेजिटल साइनस के अंदर ये जितना भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास हो गया। इसके अलावा अच्छा, अब हम ब्रेन के जनरल फीचर्स के ऊपर आते हैं। हमारे पास टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के हमारे पास ये